हेलो फ्रेंड्स, डेली एस्ट्रोटिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम राहु के फोर्थ हाउस के ऊपर बात करेंगे, गुड बैड और रेमेडीज की। तो चलिए पहले गुड से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा जातक अगर मैं वेल्थ वाइज कहूँ तो वेल्थ वाइज दोस्तों ऐसे जातक की वेल्थ आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद इसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा और शीघ्र बढ़ेगी। वो माइट भी इसे इन लॉज की तरफ से मिले या ये सेल्फ उसे अर्न करे, बट शादी के बाद काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे ऐसे जातक के। धन वाइज कोई कमी नहीं रहेगी और अपनी मेहनत से ये खूब धन भी कमाता है। बाकी खर्चा इसका हो सकता है ज़्यादा, बट खर्च ये ज़्यादातर शुभ कार्यों पे करेगा, शुभ या धार्मिक कार्यों पे। और अगर राहु अपने कह सकते हैं मित्र ग्रहों के साथ बैठा है तो ऐसे जातक के अपने मदर, अपने ब्रदर सिस्टर, इनसे इन सब के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे और रिस्पेक्टफुल होंगे। इवन देन इसे गवर्नमेंट ऑफिशियल या हायर अथॉरिटी से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो ये दोस्तों एक गुड एक्सपेक्ट है। अब बैड एक्सपेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैड एक्सपेक्ट में एक तो जनरली बैड इतना होगा नहीं, बट इसके ये अगर कर्म ऐसे करेगा, राहु चौथे घर में कुछ कहता नहीं है जनरली, बट अपनी हरकतों की वजह से राहु उसके परिणाम, राहु के गलत परिणाम इसे भुगतने पड़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो सम केसेस ऐसा जातक पार्टी लवर हो सकता है, उसे घर में बैठना पसंद नहीं है, हर वीकेंड हम कह सकते हैं पार्टी पार्टी पार्टी, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो चीज़ें ऐसे समझ आएंगी और रफली 30s के आसपास ये आके सोचना शुरू कर देगा एक पीसफुल और एक अच्छा घर जहाँ ये शांति से रह सके। बट ये चीज़ें आफ्टर द एज ऑफ 32 के बाद ये लगभग ये चीज़ें प्राप्त कर लेगा जातक। और बैड में वही या मामा की साइड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो अपने मदर या बंधुओं के साथ रिलेशंस में अनबन रह सकती है। अनदर बैड एक्सपेक्ट, बट मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट सम केसेस में ऐसे जाता है कि संतान भी गलत तरीके से उत्पन्न होती है। सो समथिंग रॉन्ग समवेयर, बट ये पर्टिकुलर किसी की कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ गुड और बैड एक्सपेक्ट्स हैं। क्विकली हम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेमेडी क्या करनी है, ऐसे जातक को कोयला 400 ग्राम लेके जल प्रवाह करें या 400 ग्राम धनिया बहते हुए पानी में प्रवाह करें। जो पूजा में नारियल यूज होता है वैसा वाला नारियल या बादाम की गिरियां, जो खाने वाला बादाम होता है, उन्हें लेके उसका जल प्रवाह करें। बाकी सेम इसके लिए इम्प्लीमेंट है कि चांदी धारण करें ऐसा जातक तो शुभ रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ रेमेडीज हैं जिनसे आप राहु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं राहु के फिफ्थ हाउस पर लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।